बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब कह रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिम आए हैं, जिम पर वो ब्लॉग भी करेंगे। आज मेरी कार्डियो गेम है, आज मेरी आर्म्स की गेम है। उसके साथ साथ हम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड। इंडिया ने जो धोखे रख दिया फर्स्ट नाइन ओवर ऑफ द मैच जस्ट बिलोंग टू इंग्लैंड। उसके बाद पूरा बाकी पूरा दिन तो इंडिया के नाम ही अजीब होया। वो मारा उन्होंने, वो मारा उन्होंने दिखाया वाय वो इतना डोमिनेट क्यों करते हैं, इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स क्यों हैं। उन्होंने दिखाई अपनी बैटिंग से, ये मैं अपनी टीम एंटर होकर देख रहा हूँ। कार्डियो करके आया हूँ 20 मिनट्स, अब 2-3 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर आर्म्स की गेम करनी है। बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड मैच की। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया ने बुरकस निकाल दिया, बुरकस इंग्लैंड का बुरकस। फर्स्ट नाइन ओवर मार गुड छाया हुआ, टॉम हार्डली छाया, टॉम हार्डली बैटर को चलता किया, जयसवाल और शुभमन गिल को जाता चलता किया मार गुड ने। उसके बाद फिर रोहित शर्मा जडेजा जो खड़े हो गए वो पहला, पीछे उधर से रोहित शर्मा और रवि सफराज डेब्यूटेंट आ गया, उसने दो यार इंडिया ना भाई बहुत कमाल खेल रही है, इनकी बैड लक चल रही है, ये कोई सीरीज नहीं जीत पाते, सॉरी वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाते, लेकिन इंडिया बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। हालांकि विदाउट विराट कोहली खेल रहे हैं लोग, विदाउट विराट कोहली, यानी कि इनका भी समझाने का, इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, आप देख लें कि नया बंदा भी आगे तो परफॉर्म कर रहा है। सरफराज खान डेब्यूटेंट था इस मौके पे, पाकिस्तान के जैसे इनके 3 खिलाड़ी आउट होते हैं इंडिया के 38 स्कोर के ऊपर, इस मौके पर पाकिस्तान के 3 आउट है, पाकिस्तान ने भी लंबा ले लिया था। जो हमारी लड़कों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो मैंटेलिटी नहीं है इनकी गेम के अंदर, ये आए पॉजिटिव खेले और पॉजिटिव रिस्पॉन्स। 300+ स्कोर का जाना इन अ सिंगल डे इज़ नॉट डैट ईजी, अगलों ने किया है तो करके दिखाया है। अगेंस्ट बेस्ट बॉलिंग साइड मार्क वुड, जेम्स एंडरसन, टॉम हार्डी, रेहान अहमद, बेन स्टोक्स, जॉय रूट, यानी कि बहुत ज़बरदस्त टीम है इंग्लैंड की। जितनी तारीफ है उस टीम की कम नहीं है, लेकिन आप देखिए इंडिया कितना ज़बरदस्त खेल रही है। जडेजा ने सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है, नॉट आउट है, कल डे टू से स्टार्ट करेगा, उम्मीद है वो डबल सेंचुरी करेगा, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग खेल रही है। इंडिया कहते हैं ना कि फर्स्ट नाइन ओवर बस इंग्लैंड के नाम थे, क्योंकि 3 आउट हो गए थे उनके, 3 आउट कर दिए, उसके बाद तो फिर इंडिया ने मुड़ के नहीं सकते, इन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया है, अटैकिंग रीड खेलना शुरू किया, फिर अटैकिंग ही खेलते गए। नो डाउट जितनी तारीफ की जाए इंडियन की उतनी कम है इंडियन टीम की। एमजी फिटनेस ने ये लेडीज़ का हॉल बनाया हुआ सेपरेट, यानी ये लेडीज़ जेंट्स डिपार्टमेंट में भी जा सकती हैं गेम करने के लिए, लेकिन उनके लिए अलग हॉल बनाया हुआ है कि जो कंफर्टेबल फील नहीं करती अपने इन फ्रंट ऑफ द मेंस, तो उनके लिए ये हॉल बनाया कि वो यहाँ गेम्स कूद से कर सकें। ये कवर्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये गार्ड है, वो रात को जल्दी सोता है, उसी चार पे ही है। ये उनका चेंज रूम है, बहुत प्यारा बनाया हुआ हॉल, और इसकी फीस 3000 है मंथली, और एडवांस पेमेंट ये 2000 लेते हैं। एक्सरसाइज हो गई है, सुंदर स्पोर्ट्स से मुतल भी थोड़ी बहुत ही बात कर ली है मैंने, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैच की।
एक दोस्त फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, पता जा रहा हूँ वहाँ हम लूडो खेलेंगे। वो वहाँ हमारी लूडो में जो मुँह मारी होती है, दो लड़के हैं जो अग्रेसिव हैं, फुल टाइम ऐसे लड़ते हैं जैसे पता है उनकी जायदाद लगी हुई है लूडो के अंदर। अब भाई उनसे मिलवाता हूँ मैं आज। मैं मेरे बंदे का छह ही नहीं आ रहा, मेरी गोटी हड़ी बड़ी है। वो गोटी तो भुगा ली, छह नहीं आ रहा तो पहली बारी चली है जेल। राजीव की भूख भी नहीं रही, आपका भी तो अपना भी नहीं आ रहा। और मेरा नहीं आ रहा। ये हैं भाई और ये हैं भाई, इनकी आपस में लड़ाई होती है। ये हैं भाई और ये हैं भाई, चार आ गया। वो पनौती है या सात चार आ गया? कौन पनौती है? और सारा बिल्कुल पार्टनर बन गया सलमान और ये अली भाई। अब इनकी लड़ाई उम्मीद करेंगे ऐसा ही होता है। कुर्सी तोड़ेंगे, कुर्सी भी तोड़ेंगे। अब पार्टनर बन गया, अल्लाह खैर ही करे। कुर्सी तोड़ दी थी मसला।